नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा पांचवी के लिए पाठ 9 गुणगान, प्रभु का गुणगान की एक कविता है, इसका पाठ अध्ययन और प्रश्न उत्तर दोनों करेंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, गुणगान। भक्त भगवान का गुणगान कर रहा है और क्या कह रहा है, प्रेमी बनकर प्रेम से। देखो प्यारे बच्चों क्या कहा, प्रेमी बनकर पहले अपने अंदर प्यार मतलब उत्पन्न करनी है, अपने दिल के अंदर श्रद्धा उत्पन्न करनी है, जब प्रभु के पास जाना है और प्रेम से और प्यार से श्रद्धा उत्पन्न करनी है, तभी आगे आप प्रेम से गुणगान कर पाओगे। ईश्वर के गुण गाया कर, प्रभु का गुण गाया करो, मन मंदिर में गाफिला भक्ति दीप जलाया कर। इसमें भक्त के लिए कवि प्रार्थना कर रहा है कि प्रेमी बनकर कि अपने दिल के अंदर प्यार उत्पन्न करके और प्रेम से भगवान के गुण गाओ, लेकिन फिर दूसरी बात यह भी कही, मन मंदिर में गाफिला, मन को मंदिर बना और उसको साफ सुथरा रख, और उस मन मंदिर को साफ सुथरा रख के उसके अंदर भक्ति का दीप जलाओ। बाहर के मंदिर में नहीं, मन के मंदिर के अंदर भक्ति का दीप जलाने के लिए कवि ने कहा है। आगे देखो क्या कहता है प्यारे बच्चों, सोने में तो रात गुजारी। कवि ये कह रहा है, दिन भर करता का पाप रहा, इसी तरह बर्बाद तू बंदे करता अपना आप रहा। कवि कहता है कि हे मानव, तूने सोने में तो सारी रात गुजार दी और दिन में तू पाप करता रहा। दिन में पाप करने का मतलब कि छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव से रखना, अपना जीवन व्यतीत करना, दिन भर पाप करता रहा। इस तरह मतलब कि रात को सोता रहा, दिन में वो पाप करता रहा और सारे का सारा जीवन अपना बर्बाद करता रहा। और जब ये जीवन बर्बाद हो गया तो उसका अपना आप बर्बाद हो गया, उसका अपना अस्तित्व खत्म हो गया। प्रातः समय उठ के उसके बाद क्या कहा, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे, प्रातः समय उठकर ध्यान से सत्संग में तू जाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। कि सुबह सवेरे उठ के अपने घर के मंदिर के अंदर बैठकर सुमिरन करो, सत्संग जहाँ पर सत्य की बात होती हो, प्रभु की बात होती हो, उसके गुणगान की बात होती हो, वहाँ पर बैठकर प्रभु का ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान करो और प्रेम से प्रभु का गुण गाओ। आगे, नर्तन के चोलों का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। अब देखो इसमें ये कहा गया कि नर्तन ये आपको मानव चोला मिला है, कोई ये बच्चों का खेल नहीं है, जन्मों जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए होंगे तब हमें ये मानव चोला मिला है। और फिर अगली लाइन में कहा भी है, जब तक जन्मों जन्मों के पुण्य कर्मों का योग इकट्ठा नहीं होता, मेल इकट्ठा नहीं होता, तब तक हमें मानव रूपी शरीर नहीं मिलता। और जब इतने शुभ कर्मों से ये मानव शरीर मिला है तो उससे क्या करना चाहिए, अगली लाइन में बताया, नर्तन पाकर प्रेम से उत्तम कर्म कमाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। नर्तन जो है उसको आपने पा तो लिया, लेकिन उसको पाकर प्रेम से, प्यार से, श्रद्धा से, ठीक है ना प्यारे बच्चों, अच्छे कर्म कमाओ, अच्छे कार्य करो, समाज के लिए अच्छा कार्य करो, ऐसा कार्य ना करो जिससे किसी को कष्ट हो। इसीलिए फिर कहा, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। पास तेरे है दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या, भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई है क्या। अब देखो
तेरे पास कोई दुखिया है, किसी को दर्द है और तू मौज उड़ा रहा है, वो भी गलत है। फिर आगे क्या कहा, जहां तुम्हारा घर है उसके आसपास कोई पड़ोसी आपका भूखा है, प्यासा है और तू रज रज के रोटी खा रहा है, वो गलत है, पाप है। इसीलिए आगे कहा, पहले सबसे पूछकर, पहले सबसे पूछो और फिर तू भोजन खाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। इसी प्रकार ये छोटी सी पोएम है। अब इसके हम प्रश्न उत्तर करते हैं। अभ्यास के प्रश्न, पांच प्रश्न है प्यारे बच्चों, इन पांच प्रश्नों के उत्तर हम करते हैं आगे इस वीडियो के अंदर। पहला प्रश्न, मन मंदिर में भक्ति गीत जलाने का क्या अर्थ है? मन मंदिर में भक्ति दीप जलाने का क्या अर्थ है? हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, इसका ये उत्तर है। मन मंदिर में भक्ति गीत जलाने का अर्थ है हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अगला प्रश्न, दूसरा, सारी जिंदगी किस तरह बर्बाद हो जाती है? सारी जिंदगी सोने में और पाप करने में बर्बाद हो जाती है। पहली पंक्ति में उत्तर है प्यारे बच्चों, सोने में और पाप करने में, एक नंबर का आंसर। जीवन को बर्बादी से बचाने के लिए यहाँ क्या उपाय बताया गया है? जीवन को बर्बादी से बचाने के लिए हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए और सत्संग जाना चाहिए। बिल्कुल आसान, आप इसको कॉपी में लिख लो प्यारे बच्चों। फिर से नर्तन पाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? हमें दोबारा से मानव चोला मिले, हमें उसके लिए क्या करना होगा? हमें उत्तम कर्म करने चाहिए, हमें उत्तम कर्म करने चाहिए। मौज उड़ाने और भोजन खाने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? मौज उड़ाने और भोजन खाने से पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमारे पास कोई दुखिया तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं, ये देखना चाहिए, ये उसका उत्तर है। तो प्यारे बच्चों, ये पांच प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको करा दिए। यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर है गुणगान, ये खत्म होता है। और सभी पाठों के लिंक, यदि आप कोई वीडियो देखना चाहते हो तो इस पाठ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों, आप सब बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहो, आप खेलते रहो, आप मुस्कुराते रहो, आप आनंद से रहो प्यारे बच्चों। धन्यवाद आप सभी को।